हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर्स, अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। अगर कोई भी बोन बीच में से ब्रेक हो रही है या कहीं से भी ब्रेक हो रही है तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, तो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे एटियोलॉजी के बेसिस पे। तो एटियोलॉजी के बेसिस पे तीन टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो पहला है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू ट्रॉमा इज कॉल्ड अ ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर किसी भी ट्रॉमा के वजह से हो रहा है, ट्रॉमा मीन्स जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, फाइट हो गया, या फिर गिरने के वजह से अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर थ्रू अ बोन विच हैज बीन मेड वीक बाय सम अंडरलाइंग डिसीज इज कॉल्ड अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अगर किसी भी डिसीज के वजह से हमारी बोन वीक हो रही है या उसकी डेंसिटी कम हो रही है एंड उसके वजह से अगर हमारी बोन में ब्रेक आ रहा है, वो टूट रही है, तो उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू क्रॉनिक रिपीटेड इंजरी स्ट्रेस कॉजिंग अ ब्रेक इन बोनी ट्रेबिकुले। अगर हमारी बॉडी की किसी भी बोन पे ज़्यादा स्ट्रेस के वजह से फ्रैक्चर आ रहा है तो उसको बोला जाएगा स्ट्रेस फ्रैक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। दीज फ्रैक्चर आर इजी टू आइडेंटिफाई बाय द एब्सेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट। इन फ्रैक्चर्स में क्या होता है, बोन तो फ्रैक्चर होती है लेकिन उसकी जगह से वो डिस्प्लेस नहीं होती है, इस वजह से इन्हें बोला जाता है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर में भी डिस्प्लेस, इसमें क्या होता है, बोन टूटती भी है एंड अपनी जगह से डिस्प्लेस भी होती है, इसी वजह से इसको डिस्प्लेस फ्रैक्चर बोलते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के टाइम पे बोन जो होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है टूटने के बाद। द फ्रैक्चरिंग फोर्स, जिस फोर्स से फ्रैक्चर हो रहा है। द मसल पुल ऑन दी फ्रैगमेंट, अगर कोई भी मसल जो है वो अगर फ्रैक्चर के टाइम पे बोन के किसी फ्रैगमेंट को पुल कर रही है तो ये भी फैक्टर हो सकता है। ग्रेविटी भी एक फैक्टर हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब हम इस बेसिस पे पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे। तो पहला फ्रैक्चर है क्लोज फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज द ओवरलाइंग स्किन एंड द अदर सॉफ्ट टिश्यू। इसमें क्या होता है, जैसे अगर फ्रैक्चर हो गया है लेकिन फ्रैक्चर होने के बाद अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, लाइक उसने किस मसल्स को कट करके, स्किन को कट करके बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज फ्रैक्चर। अब ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, अ फ्रैक्चर विद ब्रेक इन ओवरलाइंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू लीडिंग टू द फ्रैक्चर कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर जैसे किसी बोन का फ्रैक्चर हुआ, हमारी बोन ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद उसने मसल्स को भी कट कर दिया, स्किन को भी कट कर दिया, सॉफ्ट टिश्यूज को भी कट कर दिया एंड वो हमारी बॉडी से बाहर आ गई, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो कम्युनिकेट कर रही, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओपन फ्रैक्चर। अब जो ओपन फ्रैक्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला इंटरनली ओपन, दूसरा एक्सटर्नली ओपन। अब इंटरनली ओपन क्या है, जैसे अगर कोई बोन है वो ब्रेक हो गई एंड ब्रेक होने के बाद जो बोन का फ्रैगमेंट है उसने हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को, स्किन को कट कर दिया और बाहर आ गई, अंदर से बाहर आई है, इसलिए उसको इंटरनली ओपन बोल रहे हैं। और जैसे कि अगर हमारी बोन ब्रेक हो रही है और मतलब जैसे कोई बाहर से कोई मटेरियल आया, उस मटेरियल ने आके हमारे स्किन को तोड़ा, ब्रेक किया, देन उसके बाद उसने हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को, देन हमारे मसल्स को ब्रेक किया एंड फिर उसने हमारी बोन को ब्रेक कर दिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नली ओपन। और जो इस टाइप के जो फ्रैक्चर्स होते हैं एक्सटर्नली ओपन, ओपन फ्रैक्चर्स, इनमें क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। सबसे पहले है इसमें सिंपल फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन टू पीसेस, ऐसा फ्रैक्चर जो बोन को दो पीसेस में तोड़ रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, सिंपल फ्रैक्चर। इसका एग्जांपल है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। ट्रांसवर फ्रैक्चर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेस, इसमें क्या होता है, जो बोन होती है वो सिर्फ एक या दो में नहीं, मल्टीपल पीसेस में टूटती है। इसका एग्जांपल है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है।
अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर। फोर्स के बेसिस पे फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर। दीज आर फ्रैक्चर सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सीवर ट्रॉमा फोर्स एज इन ट्रैफिक एक्सीडेंट। ऐसे फ्रैक्चर्स जो कि सीवर ट्रॉमा में ट्रॉमा के वजह से हो रहे हैं, जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, उनके वजह से अगर जो फ्रैक्चर्स होते हैं तो उनको बोला जाता है हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी सीवर ट्रॉमा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, बहुत हाई वेलोसिटी से चीज़ें हिट करती हैं आगे, इस वजह से क्या होता है बोन ब्रेक हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के होते हैं। अब लो वेलोसिटी इंजरी किसको बोलेंगे, दीज फ्रैक्चर आर सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइल्ड ट्रॉमा एज इन दी फॉल। जैसे अगर हम गिरे, और गिरने की वजह से हम वॉक कर रहे हैं, हम गिर गए, वॉक, इसमें क्या हो रहा है, इतना कोई सीवियर ट्रॉमा नहीं है, ये इतनी कोई वेलोसिटी से नहीं गिरा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी बोन ब्रेक हो गई, फ्रैक्चर हो गए, तो इसको क्या बोल रहे हैं, लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न पढ़ेंगे। तो पहला है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन होती है वो दो पीसेस में टूटती है और ट्रांसवर्सली टूटती है। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन होती है वो टू पीसेस में टूटती है और ऑब्लिक टूटती है, ऑब्लिक मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर में जो बोन होती है इस तरह से टूटती है, इसमें क्या होता है, जो बोन होती है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्सिटी शो करती है। जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये बोन टूटी है, यहाँ पे आपको कॉनकेव जैसा देखने मिल रहा है और यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी देखने के लिए मिल रही है, तो अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो इसको बोलेंगे हम स्पाइरल फ्रैक्चर। अब कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बोन होती है वो मोर देन वन या टू पीसेस से ज़्यादा टूटती है। जैसे कि अब ये देखिए, ये ब्रेक हो रही है, ये कितने पीसेस में, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अब पढ़ेंगे सेगमेंटल फ्रैक्चर के बारे में। सेगमेंटल फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन होती है वो सेगमेंट्स में टूटती है। जैसे कि देखिए, ये एक सेगमेंट हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, इसमें बोन क्या है, एक जगह से नहीं टूटी है, दो जगह से ब्रेक हो रही है, सिंगल बोन, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेगमेंटल फ्रैक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Fearless.